मैं प्रोफेसर सविन सिंह आपकी बात में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मुझे ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है और इसे सुन करके आप लोगों को भी अत्यंत खुशी होगी कि जो मैंने 11 महीने पहले एक बीड़ा उठाया था कि इंडिया की ज्योग्राफी पर MCQ आधारित इंग्लिश और हिंदी में पुस्तक लिखूंगा। और प्रियजनों, आज आपको ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है, यह कार्य लेखन कार्य आज हमने पूरा कर लिया। अब कंप्यूटर कंपोजिंग हो रही है, कल से मैं प्रूफ रीडिंग का कार्य प्रारंभ करूंगा और अब पूर्ण विश्वास है कि आगामी नवंबर महीने में हम आप लोगों के हाथ में यह पुस्तक पहुंचा पाएंगे। देखिए, इस पुस्तक के लेखन कार्य में 320 दिन लगे, 10 महीने 22 दिन, लगातार 6 घंटे प्रतिदिन मैंने कार्य किया, बिना रुके बिना थके। यद्यपि 1 जुलाई से मेरे पीठ में असह्य पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उसका परवाह किए बिना अपने कार्य में तल्लीन और संलग्न था और उसे मैंने आज पूरा कर लिया। तो ये 320 दिनों में, अर्थात 1900 आवर्स मैंने कार्य किया, जिसमें 7 रीम जेके बॉन्ड कॉपियर पेपर प्रयोग किया गया, अर्थात एक रीम में 500 सीट होती है। तो मैंने कुल मिलाकर के 3500 पेजेस का लेखन कार्य किया। और इस लेखन कार्य में ये देखिए, यह 50 तो रेनॉल्ड पेन का प्रयोग किया है मैंने, और तकरीबन 20 पायलट माइक्रो टिप पेन का प्रयोग किया है मैंने। ये देखिए आपके सामने प्रयोग की हुई अनुप्रयुक्त अब ये कलमे हैं। तो इस 80 बरस की अवस्था में देखिए मैंने इतना कार्य आप लोगों के लिए कर दिया, और हमें प्रसन्नता है कि यह पुस्तक, देखिए यह पुस्तक थोड़ी मोटी हो गई है, पेजेस जो है इसका साइज जो है वो क्रायो ज्योग्राफी और हिमभूगोल के साइज की बड़ी साइज है, जिसमें 750 प्लस पेजेस हो रहे हैं। लेकिन इस पुस्तक में मैंने 3 स्तरीय प्रश्नों को सेट किया है और उनके उत्तर और व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला तो एक है मल्टीपल चॉइस का, जिसमें 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, सही कौन है उसका उत्तर दिया गया है और वो सही क्यों है इसकी व्याख्या की गई है, और बाकी 3 जो विकल्प हैं उनकी भी व्याख्या की गई है। दूसरा जो प्रश्न है
वो 60 क्वेश्चन आंसर टाइप है जो अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं और बीएएमए की परीक्षाओं में भी अभी पूछा जाने लगा है। इसमें प्रश्न मैंने किया है और उसका उत्तर लिखा है 4 से 5 पृष्ठों के बीच। तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज, दीर्घ प्रश्न और उत्तर, जिसमें हमने प्रश्न किया है और उसका उत्तर 8 से 10 पृष्ठों में दिया है। जैसे उदाहरण एक दे दें, एग्जामिन क्रिटिकली द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की उत्पत्ति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये और एक चीज और बताया आपको, ये एक तरह से भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि इसमें मानचित्र भी दिए हुए हैं और कुल 23 चैप्टर हैं, जिसमें ज्यादा मैंने जो ध्यान दिया है वह फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर। और एक चीज और, दोनों पुस्तकें एक साथ रिलीज होंगी, दोनों में बराबर के प्रश्न हैं, यानी 1216 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, 1216 प्रश्न। ये हिंदी में भी इतना है, इंग्लिश में भी। हो सकता है पृष्ठों की संख्या में थोड़ा अंतर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश के उत्तर में और हिंदी के उत्तर में थोड़ा ज्यादा अंतर हो जाता है लिखने में, तो इसमें यह शिकायत मत करिएगा। लेकिन प्रश्न बराबर है, करीब करीब बराबर पृष्ठ ही होंगे। हो सकता है हिंदी माध्यम में कुछ पृष्ठ ज्यादा हो गए, तो अब किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और यह मेरे जीवन की अब अंतिम कृति है। नवंबर महीने में मैं इसका विमोचन करूंगा और एक मेगा इवेंट करूंगा, जिसमें काफी लोगों को मैं निमंत्रित करूंगा, खास करके स्थानीय लोग ही होंगे, लेकिन बाहर के लोग भी जो उत्सुक हों वो अगर हमको सूचित करें तो मैं उनको भी बुला सकता हूं, लेकिन रहने की व्यवस्था उनको स्वयं करनी पड़ेगी। और ये भी तय है कि ये लीजेंड होटल जो सुपर लग्जरी होटल है, उसी में हम इसका विमोचन करेंगे। और ये बता दें हम कि मैंने जितनी भी पुस्तक लिखी है, अपनी पुस्तकों का विमोचन किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या मंत्री से नहीं कराया है, या तो मैंने स्वयं किया है या आईजीआई के कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य अतिथि होते थे उनसे कराया है, या अपने स्टूडेंट से भी कराया है। जैसे अभी एक मेरी पुस्तक का विमोचन मैंने अपने पुराने शिष्य डॉक्टर शिव प्रकाश अग्निहोत्री से कराया, एक पुस्तक का विमोचन मैंने प्रोफेसर एआर सिद्दीकी से कराया, एक का विमोचन मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से कराया। तो ऐसे ही इसमें भी बड़े चौंकाने वाले नाम होंगे जो इन मेरी एक पुस्तक का एक व्यक्ति विमोचन करेंगे, दूसरी पुस्तक का दूसरे विमोचन, और हम उस विमोचन के पार्टी में अच्छा डिनर भी खिलाएंगे। ये मेरा जो है अभिलाषा है, चूंकि मेरे कलम से लिखी हुई अंतिम कृति होगी। दोस्तों, मैं 80 बरस पार कर गया हूं, अब आंख भी उतनी साथ नहीं दे पाती है, लेकिन आप ये देखें, आपके प्रेम की वजह से ये 60-70 पेंस का प्रयोग मैंने इन विगत 10 महीना 22 दिनों के अंदर किया है। देखिए, अब शुभरात्रि,
अब मैं खाना खाने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि और मेरा नमस्कार।